सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज किस वीडियो पर मैं आपको दिखाए कैपकट के अंदर थ्री लेयर वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो या बोल सकते हो स्प्लिट स्क्रीन वीडियो एडिटिंग कैसे करते, इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है। वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कैपकट वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो कैपकट पर आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहां से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे। सो यहां से वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो या आपको एल्बम का ऑप्शन मिलता है, यहां से आप जो डायरेक्टली फोल्डर से अपना वीडियो ऐड कर सकते हो। तो यहां से मैं अपना वीडियो फोल्डर से ऐड कर लेता हूं। सो मैं देख लेता हूं मैं कौन सा वीडियो ऐड करूँ। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये ऐड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। सो उसके बाद आप देख सकते हो हमारा वीडियो आ चुका है। यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो ये हमारा बिल्कुल एक नॉर्मल सा वीडियो है। तो सबसे पहले इसका जो वाटरमार्क है उसको डिलीट कर लेते हैं। सो इसके एंड पर आपको एक वाटरमार्क मिलेगा इस ब्लैंक पार्ट के अंदर, तो आपको इसे क्या करना है सिलेक्ट करना है और ये डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स, सिंपली इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप सिंपली वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि इफेक्ट ऐड करने में, सो ऊपर आई कार्ड पर मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। सो अभी आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर मिलेगा ये स्प्लिट नाम का एक ऑप्शन, सिंपली स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है और स्प्लिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा जो कुछ इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक अगर आपको इस तरह ये थ्री स्क्रीन वाला चाहिए तो आप थ्री स्क्रीन्स के ऊपर क्लिक करेंगी, अगर आपको फोर स्क्रीन्स चाहिए तो आप फोर स्क्रीन्स के ऊपर क्लिक करेंगी, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो इफेक्ट है, सो जो भी इफेक्ट अप्लाई करो उसको आपको अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है और अभी आप यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। सो और यहाँ पर आपको और एक इफेक्ट मिलता है जिसका नाम है ALT.BNW और यहाँ पर मिलता है सिक्स स्क्रीन्स, अगर आपको सिक्स स्क्रीन्स चाहिए तो भी मिल जाएगा। और अभी मैं आपको भी बताऊंगा कि थ्री लेयर वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। सो आप देख सकते हो ये मिलता है नाइन स्क्रीन और ये मिलता है सर्किट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये थ्री स्क्रीन्स वाला और ये डुअल स्क्रीन्स वाला ये सबसे बेस्ट है, यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आप जो है यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो बैक आने के बाद आप एड ऑडियो के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से साउंड्स के ऊपर क्लिक करके अपना म्यूजिक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक म्यूजिक ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। सो ये मैंने अपना म्यूजिक ऐड कर लिया, आप देख सकते हो, और म्यूजिक का एक्स्ट्रा पार्ट आप यहाँ पर जो है कट कर लेंगे। सो स्प्लिट करेंगे और इसका राइट साइड का पार्ट डिलीट कर लेंगे और यहाँ से आप जो कोई ट्रांजिशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो या कोई एनिमेशन डालना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लाइक यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ट्रांजिशन मिलेगा, कोई भी ट्रांजिशन आप अप्लाई कर सकते हो या आप देख सकते हो। सो इसी तरीके से आप जो भी ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो और यहाँ से आप अपना वीडियो को सेव कर लेंगे। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्री लेयर वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो थ्री लेयर वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी भी टाइप का फोटो ऐड कर लीजिएगा। सो यहाँ से मैं एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, तो ये मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया, उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है, आपको मिलता है फॉर्मेट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 9:16 को चूज़ करना है और ये जो पिक्चर है इसको आपको जूम कर लेना है पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाना है बैक और इसका वाटरमार्क डिलीट कर लेना है और अभी इसका टाइमलाइन आपको बड़ा कर लेना है। सो तो इस तरीके से आप इसका टाइमलाइन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम होगा ओवरले, सिंपली ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड ओवरले चूज़ करना है और उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आप एक एक करके अपना सारा वीडियो ऐड कर लेंगे। सो एक एक करके आपको अपना वीडियो ऐड करना है। तो ये सबसे पहला वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ओके सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा वीडियो आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को आपको ऊपर लेके जाना है ओके, इतना जूम करके आप इसे ऊपर में सेट कर लेंगे तो ये आपका सबसे पहला वीडियो आ जाएगा। उसके बाद आपको अगेन क्लिक करना है ऐड ओवरले के ऊपर। अभी आप यहां से अपना सेकंड वीडियो चूज़ करेंगे। सो यहां से मैं अपना सेकंड वीडियो ऐड कर लेता हूं। सो सेकंड वीडियो में जो है इसको ऐड कर रहा हूं, तो ये आ चुका है और सेम इसको भी आपको जूम कर लेना है इस तरीके से।
और जूम करके आपको इसे यहाँ पर सेट कर लेना है। अगेन आपको ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है अपना थर्ड वीडियो ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से मैं अपना थर्ड वीडियो ऐड कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा थर्ड वीडियो आ चुका है। अभी थर्ड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ जाना है और इसको आपको जूम कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। सो जूम करने के बाद ये भी सेट हो जाएगा नीचे की साइड पर। सो उसके बाद यहाँ से आप म्यूजिक ऐड कर लेंगे। अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ऐड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, साउंड्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से म्यूजिक ऐड कर लेंगे। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो म्यूजिक हमारा आ चुका है। सो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ये वीडियो यहाँ पर एंड हो रहा है। सो इसके टाइम ड्यूरेशन पर हम सभी वीडियो को स्प्लिट कर लेंगे और इसके बराबर कर लेंगे। ओके सो अभी आप देख सकते हो सब वीडियो बराबर हो चुका और इस बैकग्राउंड को भी हम जो है यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं स्प्लिट करके। सो ठीक है, और अभी प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा 3 लेयर वीडियो बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमने म्यूजिक भी ऐड कर लिया। म्यूजिक का वॉल्यूम आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके। सो अभी आपको अपनी वीडियो को सेव करना है। तो वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस कॉर्नर पर ये जो आइकन मिलता है एरो का, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।